सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में ट्री फोल्ड ब्रोशर कैसे बनाते हैं, और वो भी मिनटों में। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एडिटिंग जानने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक एडिटिंग भी जानते हैं तो भी आप बड़ा ही खूबसूरत सा ट्री फोल्ड ब्रोशर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ट्री फोल्ड ब्रोशर अगर हमें बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है फाइल टैब में। ये देखिए, यहाँ पर फाइल टैब मिलता है आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको जाना है न्यू पे, यानी कि ऊपर से दूसरे ऑप्शन पे। ठीक है, न्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस ऑप्शन के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर आपको टाइप करना है ब्रोशर। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ ब्रोशर टाइप कर दिया। उसके बाद ये देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट सर्चिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए। और ये आपके सामने ब्रोशर के कई सारे खूबसूरत खूबसूरत टेम्पलेट्स ला करके यहाँ पर आपको शो कर देगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अलग अलग कैटेगरी के टेम्पलेट्स हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोशर आपको चाहिए। ठीक है, हम कोई भी एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि बिल्डर वाला ले लेते हैं, बिल्डर ब्रोशर यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम। इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर क्रिएट का साइन आएगा, सॉरी क्रिएट का साइन जल्दी से हट गया। ठीक है, अन्यथा अगर नहीं आता तो वहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्रोशर है वो पेज पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पेज पर आ गया। ठीक, ब्रोशर आ गया पेज पे। अब आपको कुछ नहीं करना, खाली अपना मैटर यहाँ से एडिट करते जाइए। जो कुछ भी मैटर आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं बस सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अपना मैटर टाइप करते जाइए। जब आपका जो भी एडिटिंग है वो पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपल फिर से फाइल टैब पे जाना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से सेव एज पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ फाइल सेव करना चाहते हैं। तो हमने डेस्कटॉप ले लिया और यहाँ पर आप अपना मतलब सेव टाइप पे मतलब अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि मतलब वर्ड में करना है आपको या पीडीएफ में। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और पीडीएफ में सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। सॉरी, हमने नाम एडिट नहीं किया। ठीक है, लेकिन नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो ब्रोशर है वो ट्री फोल्ड ब्रोशर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ा ही खूबसूरत सा ट्री फोल्ड ब्रोशर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में।